महेंद्र सिंह धोनी का सन्यास आखिर क्यों बन गई पहेली? आखिर सन्यास को लेकर मन में चल क्या रहा है? दिव्यंगत विजय मर्चेंट ने एक बार कहा था कि खिलाड़ी को सन्यास के फैसले के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उसे वैसे समय में सन्यास लेना चाहिए जब लोग ये पूछे अभी क्यों, ना कि तब जबकि लोग ये पूछने लगे कि कब। फिलहाल ये कब वाला सवाल महेंद्र सिंह धोनी के सामने खड़ा है, जिनकी भविष्य पर जारी दुविधा ने इस बहस को छेड़ दिया है कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक प्लेयर आखिर क्रिकेट को कब अलविदा कहेगा। दरअसल इंग्लैंड में हाल ही में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद से ही धोनी के रिटायरमेंट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा था कि भारत लौटते ही धोनी संन्यास का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के बाद से 38 साल के धोनी ने मैच नहीं खेला है। वो वेस्ट इंडीज टूर और साउथ अफ्रीका के साथ हुई सीमित ओवरों की सीरीज में भी नहीं खेले। अब वो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 घरेलू सीरीज से भी बाहर रहेंगे, यानी इस साल ये तय नजर आ रहा है कि वो मैदान पर नजर नहीं आएंगे। मैदान से धोनी की दूरी बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज है, क्या बात है जो धोनी को फैसला लेने से रोक रही है? क्या उन्हें बाजार का दबाव उन्हें रोक रहा है? क्योंकि अगर वो क्रिकेट में अपना करियर और भी लंबा करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में तो जरूर व्यस्त दिखते। असल में धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद में एक ब्रांड है। साल 2018 में माही की सालाना कमाई करीब 101 करोड़ रुपए थी। बाजार में आज भी उनकी वैल्यू बनी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के एंडोर्समेंट से वो जुड़े हैं। कंपनियां जानती हैं कि माही जब तक मैदान पर खेल रहे हैं उनकी ब्रांड वैल्यू को वो पूरी तरह से बुना सकते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया तो शायद बाजार में उनकी उतनी पूछ भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे में जिन कंपनियों से उनका लंबा करार है वो नहीं चाहेगी कि माही के नाम के आगे रिटायर्ड का टैग लगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि धोनी इस पहेली को कब तक सुलझाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।